Welcome to Infonet. You are watching assembling video of Samsung Galaxy A33 5G mobile phone. Assembling process काफ़ी simple है. Assembling करने के लिए सबसे पहले हम main जो PCB है यानी कि जो motherboard है उसको हाथ में ले लिए और one by one सारे cameras को जो है install किए. सबसे पहले हम main camera को install करेंगे और main camera install होने के बाद अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसके बाद मैक्रो कैमरा, तीनों कैमरा को वन बाय वन इंस्टॉल करेंगे. इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ टूल्स आप यूज़ ना भी करें तो भी चलता है, क्योंकि इसमें सारे कनेक्टेड जो है सॉकेट टाइप है और आप इजीली प्लग एंड प्ले कर सकते हो. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी सिंपल प्रोसेस से तीन कैमरा जो है इसमें इंस्टॉल हो चुका है. अब पीसीबी को हमने फ्रंट साइड में कर लिए और जो मेन एलसीडी है उसके साथ पीसीबी को फिक्स करेंगे. तो चलिए वन बाय वन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. अब मदरबोर्ड जो है उसको इंस्टॉल हमने कर दिए हैं. मदरबोर्ड इंस्टॉल के समय आपको हीट सिंक का ख्याल रखना है कि मदरबोर्ड जो है बॉडी के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो. मदरबोर्ड इंस्टॉल होने के बाद अब हम सारे कैमरा को इंस्टॉल करेंगे. ऑलरेडी दो कैमरा हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, बाकी दो कैमरा जो रियर में लगना है और एक कैमरा जो फ्रंट कैमरा है, तो ये तीनों कैमरा को इंस्टॉल करना है. तो अभी हम जो है फ्रंट कैमरा को इंस्टॉल करेंगे. ये आप देख पा रहे हैं फ्रंट कैमरा हमने लिए हैं और फ्रंट कैमरा को इंस्टॉल करेंगे. ये फ्रंट कैमरा इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले कैमरा को फ्रंट कैमरा होल्डर में डालें और उसके बाद उसका जो कनेक्टर है उसको पुश करें और ये काफ़ी ईजीली इसमें फिक्स हो जाएगा. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसे मैं इसको फिट कर रहा हूँ. सबसे पहले इसका जो सॉकेट है उसके साथ कैमरा को फिट करते हैं और उसके बाद जो इसका कनेक्टर है उसमें पुश करना है. जैसे आप पुश करते हैं तो ये कैमरा जो है फिट हो जाएगा. उसके बाद चले आते हैं मैक्रो कैमरा में. इसमें जो मैक्रो कैमरा लगी हुई है वो 5 मेगापिक्सल है और ये मैक्रो कैमरा का अभी हम इंस्टॉल करेंगे. मैक्रो कैमरा को इंस्टॉल करने के लिए SS93 टूल्स का आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें जो जगह है काफ़ी कम है. तो मैक्रो कैमरा जो है इसमें हमने बैठा दिया और बैठाने के बाद SS93 टूल्स के मदद से उसका कनेक्टर जो है उसको पुश करेंगे. जैसे कनेक्टर को पुश करेंगे वो कैमरा इसके साथ फिट हो जाएगा. उसके बाद चले आते हैं डेप्थ कैमरा में. यहाँ पर मैक्रो कैमरा हमने तो इंस्टॉल कर लिए हैं, एक बार दोबारा चेक कर ले, ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है. अब चले आते हैं डेप्थ कैमरा में. यहाँ पर लोअर पोर्शन में डेप्थ कैमरा है जिसको अभी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं. सो ये है डेप्थ कैमरा. तो चलिए डेप्थ कैमरा को इंस्टॉल करते हैं और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने जो है ट्विजर का सपोर्ट लेंगे. सबसे पहले कैमरा को ग्रुप के साथ बैठा ले और उसके बाद उसका जो कनेक्टर है उसको पुश करें. पुश करते ही वो कैमरा जो है कनेक्ट हो जाएगा पीसीबी. सारे कैमरा लगने के बाद अब पीसीबी को फाइनल फिक्स करेंगे. पीसीबी को फाइनल फिक्स करने के लिए उसके ऊपर लगी हुई स्क्रू को फिट करें और स्क्रू फिट करने के लिए आप ट्विजर का मदद लें और साथ में सैमसंग टाइप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करें. और पीसीबी स्क्रू फिक्स होने के बाद आगे हम इंस्टॉल करेंगे सब BBA स्पीकर, कोएक्सियल केबल एंड फिंगरप्रिंट सेंसर. ये सारा इंस्टॉल करने के बाद आपका असेंबलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा. ये वाइब्रेटर जो कि अभी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं. वाइब्रेटर का फंक्शन रहता है कि फ़ोन जब आप रिसीव करते हो उससे पहले जो वाइब्रेशन होता है वो इस पार्ट के मदद से करता है. तो हमने वाइब्रेटर इंस्टॉल कर लिए हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं स्पीकर इंस्टॉल करने. स्पीकर काफ़ी सिंपल स्पीकर है, ये स्क्वायर टाइप स्पीकर है, काफ़ी कॉमन स्पीकर है, ये हर एक मॉडल में सैमसंग का लगता है. तो ये ऑपोजिट साइड में जो आप देख पा रहे हैं सिल्वर कलर का, वो स्पीकर का डायाफ्राम है. ध्यान रखें इसमें कोई स्क्रैच या डैमेज ना आए, ताकि अगर कोई स्क्रैच वगैरह आता है तो साउंड क्वालिटी जो है वो ख़राब होगा. तो इसको ध्यान में रखते हुए स्पीकर को इंस्टॉल करें. स्पीकर इंस्टॉल करते समय इसका जो कनेक्शन पिन है वो राइट साइड में होना चाहिए, क्योंकि सब बीबी का जो कनेक्शन है वो राइट साइड में है. और ये स्पीकर इंस्टॉल होने के बाद अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को. फिंगरप्रिंट सेंसर इंस्टॉल करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, फिंगरप्रिंट और सेंसर और कैमरा ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे ही है. तो फिंगरप्रिंट सेंसर को केयरफुली इंस्टॉल करें. ये देखिए हम ट्विजर की मदद से फिंगरप्रिंट सेंसर को इंस्टॉल कर दिए हैं. फिंगरप्रिंट सेंसर इंस्टॉल होने के बाद अब हम इंस्टॉल करेंगे सब बीबीए को. सो ये है सैमसंग A33 फोन का सब बीबीए, जिसमें एक सी टाइप कनेक्टर, एक 3.5mm जैक एंड एक माइक्रोफोन लगी हुई है. सब बीबीए इंस्टॉल करते समय लोअर साइड से इसको इंस्टॉल करें. सबसे पहले लोअर साइड में पुश करें, उसके बाद सब बीबीए को फिक्स करें.
सभी भी इंस्टॉल होने के बाद उसके ऊपर लगी हुई स्क्रू को टाइट करें, और टाइट करने के बाद आप फिंगरप्रिंट सेंसर जो है उसको इंस्टॉल करें। यह है फिंगरप्रिंट सेंसर, इसको सब बीबी के ऊपर कनेक्ट करें ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आपने फ्रंट कैमरा को लगाए थे उस डायरेक्शन में सब बीबी के ऊपर ये फिंगरप्रिंट सेंसर को इंस्टॉल करें। और ये इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है। फिंगरप्रिंट सेंसर के बीच में एक गैस्केट है और एक बोथ साइड टेप है, दोनों चीज़ का ध्यान रखें ये बराबर इंस्टॉल हो, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आ सकता है फिंगरप्रिंट सेंसिंग में। फिंगरप्रिंट सेंसर इंस्टॉल होने के बाद अब चले आते हैं कोएक्सियल केबल में। यहाँ पर दो कोएक्सियल केबल है, एक रेड एक ब्लू। सो एक चीज़ का ध्यान रखें, जो रेड है वो मार्क किया हुआ है पीबीए और सब बीबीए दोनों जगह में, आर मार्क किया हुआ रहेगा, तो ये दोनों को आर जो सॉकेट है उसके ऊपर लगाना है। ये लगाते समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसको हैंडल करें, क्योंकि जब आप कनेक्टर को अलाइन किए बिना प्रेस कर देते हैं तो ये कनेक्टर का सॉकेट जो है वो डैमेज हो जाता है। तो इसको अलाइन करें उसके बाद प्रेस करें। इस प्रोसेस में दोनों कनेक्टर को ही इंस्टॉल करें, यानी कि दोनों सो वन बाय वन दोनों को एक्सेल केबल को इंस्टॉल करें। सबसे पहले रेड को इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो ब्लू है उसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हमने अभी रेड को इंस्टॉल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ब्लू को इंस्टॉल करूँगा। कोएक्सियल केबल इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर लगी गई जो चैनल है, चैनल के अंदर उसको डाल दे। और इसके लिए आप SS93 टूल्स का यूज़ किया करें। अगर आप चैनल में नहीं डालते हैं, जैसे आप रियर कवर उसको फिट करिएगा तो वो वायर जो है वो कटने का चांसेस रहेगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले उसको ग्रुप के अंदर डालें, और उसके बाद हम लोग जो फिट करने वाले हैं वो है APCB, यानी कि जो दोनों पीबीए के अंदर जो कम्युनिकेशन क्रिएट करती है, एक सब पीबीए और एक मेन पीबीए के अंदर, तो इसको APCB कहा जाता है। और इसको अभी हम लोग फिट करने वाले हैं। तो APCB फिट करें, सबसे पहले हम लोअर पोर्शन में APCB का जो दो कनेक्टर है, एक डिस्प्ले के साथ और एक सब पीबीए के साथ, दोनों को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अपर पोर्शन में भी इसको कनेक्ट करेंगे। APCB का ठीक कॉर्नर में ही आपको गैस्केट मिलता है, तो ध्यान रखिएगा वो गैस्केट डैमेज ना हो। तो अभी तक हम लोगों ने सब बीबीए पीबीए और APCB दोनों ही तीनों चीज़ जो है असेंबल कर लिए हैं। अब सब बीबीए के ऊपर लगी हुई दो स्क्रूज का जो जगह है उसमें स्क्रूज इंस्टॉल कर दे, और स्क्रू टाइट करने के बाद अब आप जो स्पीकर मॉड्यूल है, यानी कि स्पीकर के जो कवर है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पीकर के ऊपर बहुत सारी स्क्रूज है, उसको भी आपको सारे स्क्रूज को टाइट करना है प्रॉपरली। और इसमें दो लॉक है, इसका भी ख्याल रखा करें। तो ये जब प्रॉपर फिट हो जाएगा उसके बाद सारे स्क्रूज इसके अंदर टाइट करें, और वन बाय वन स्क्रू को टाइट करें। तो स्क्रू टाइट करने के लिए आप ट्वीज़र या स्क्रू ड्राइवर का मदद ले सकते हैं। स्पीकर मॉड्यूल में सारे स्क्रूज लगने के बाद आप बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं पीबी के साथ। बैटरी कनेक्ट करने के बाद आप जो एंटीना मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल करें। एंटीना मॉड्यूल इंस्टॉल करते समय थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें, क्योंकि NFC जो एंटीना है वो डैमेज ना हो। और ये फिट करने के बाद इसके ऊपर भी काफ़ी सारे स्क्रूज है, उसको भी आपको सारे स्क्रूज को टाइट करना है। ये कैमरा पोर्शन में एक लॉक है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि लॉक अगर प्रॉपरली अलाइन नहीं होता है तो एंटीना मॉड्यूल फिट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में लॉक को अलाइन करने के बाद एंटीना मॉड्यूल को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। एंटीना मॉड्यूल फिट करने के बाद सारे स्क्रूज को उसके ऊपर टाइट करें वन बाय वन। स्क्रू टाइट करने के लिए आप ट्वीज़र और स्क्रू टाइट करने के लिए ट्वीज़र और स्क्रू ड्राइवर का हेल्प ले सकते हैं, और इसी के मदद से आपको स्क्रू फिट करना होगा। सारे स्क्रू टाइट होने के बाद आप रियर कवर को इजीली फिट कर सकते हैं। रियर कवर में जो एजेस में किट है, किट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि किट अगर ड्राई हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इसको असेंबल नहीं कर पाइएगा, इसमें गैप रह जाएगा। अगर किसी भी सिचुएशन में किट ख़राब होता है तो उस सिचुएशन में आप नया किट का यूज़ कर सकते हैं। तो नया किट लगाने के बाद इस फ़ोन को पैकिंग आप कर सकते हैं, और इसके बाद फाइनली असेंबलिंग प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मली फ़ोन को हमने फ़ोन को ऑन कर लिए हैं, और अब हम किट के पुराने किट में जो रियर कवर है उसको फिट करेंगे। इसको फिट करने के लिए मेजर कुछ करना नहीं है, सिंपली अलाइन करके इसको फिट कर दे और उसके ऊपर प्रेशर दे के कुछ देर रख दे ताकि ये प्रॉपरली बैठ जाए। उसके बाद आप नॉर्मली फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था असेंबलिंग वीडियो ऑफ सैमसंग गैलेक्सी A33 5G मोबाइल फ़ोन।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जाए लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।